हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खैरुल चौधरी और आप देख रहे हैं केएचसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एसएमएस लिंक में बैलेंस ऐड करना है या बैलेंस रिक्वेस्ट भेजना है या बैलेंस लेना है तो कैसे लें। तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बनी रही है। अगर आप कोई नया रिटेलर है या नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो मेरा यह चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो एसएमएस लिंक का जो अपडेट होता है वो अपडेट जब भी अपडेट आता है तो साथ ही साथ मैं अपडेट आपको बताते रहता हूँ। तो चलते सबसे पहले एसएमएस लिंक के वॉलेट के बारे में। तो ऐप को पहले से आपको ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको उसमें लॉगिन होना है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन कर लेता हूँ। ऐप लॉगिन करने के बाद आपका राइट साइड में जो मोर होता है, मोर के ऑप्शन पर चले जाने हैं। यहाँ पर आपको दो तीन तरह के ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट आपको रिक्वेस्ट भेजना है तो आप कंपनी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे भेज सकते हैं। तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू करता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर कोई बात नहीं, दोनों ही भेज सकते हैं। तो कंपनी के जो अकाउंट होते हैं वहाँ पर कैसे भेजें, तो पहले हम बात कर लेते हैं आप खुद से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, कोई भी एप्लीकेशन हो वहाँ से आप खुद कैसे ऐड कर सकते हैं या आपका जो वॉलेट है वॉलेट से कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रिचार्ज में जाइए, जो 20 वाला रिचार्ज होता है वो रिचार्ज में जाइए। तो पहला वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा ऐड मनी। ऐड मनी में जाके आप यहाँ पे आपका अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो मिनिमम 3000 आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर हो तो मिनिमम आपको 1000 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करते हैं तो उसी को हम बताने वाले आपको। तो सबसे पहले बताते हैं, आप ऐड मनी पर सेक्शन पे चले जाइए। ऐड मनी पर जाने के बाद वहाँ पे आपका अमाउंट डाल दीजिए, जितना भी अमाउंट आपको लोड करना है। मैं फ़िलहाल 3000 लोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद लोड वॉलेट पे चले जाना है और क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका दो आपका यूपीआई आ जाएगा, कोई भी यूपीआई आपको सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, मैं पहला वाला जो यूपीआई है यहाँ पे ऊपर में जो पहला वाला यूपीआई है वो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, जो भी ऐप्स आपके मोबाइल पे है ऑलरेडी, भीम, गूगल पे, फ़ोनपे, कोई भी ऐप्स आपके मोबाइल पे हो तो वही ऐप्स आप यहाँ पर शो कर जाएगा। तो मैं फ़िलहाल पेटीएम से कर लेता हूँ। तो पेटीएम पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पेटीएम का जो यूपीआई है मनी ट्रांसफ़र वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड टू पे क्लिक कर दीजिए। जो आपकी यूपीआई का पिन है वो पिन आप यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने फिलहाल मेरा पिन जो है वो डाल दिया। तो उसके बाद आप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके आपका जो मनी ट्रांसफ़र है वो सक्सेस हो गया। देखिए, मेरा मैसेज भी आ गया सक्सेस हो गया और मेरा वॉलेट पर भी आ गया। तो आपका जो बैलेंस है वो आपको इंस्टेंट ऐड हो जाता है आपको वॉलेट पर। देखिए, पहले मेरा वॉलेट पे जीरो था, अभी 3000 हो गया। तो दूसरा जो तरीका है वो आपका हमारा जो बैंक अकाउंट होता है, आप अगर रिटेलर हैं तो कोई बात नहीं, तो हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट में दे दूंगा। वहाँ पे आप बैलेंस जो पेमेंट हो आपका कोई भी ऐप से, फ़ोनपे या गूगल पे, कोई भी ऐप से आप हमें पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट रिक्वेस्ट पर चले जाइए। पेमेंट रिक्वेस्ट पर चले जाने के बाद आप वहाँ पे सिलेक्ट मोड में आप यहाँ पे कोई भी, जैसे कि आप कौन सा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, कौन सा आप यूज़ करा, तो आप कैश से, डिपॉजिट, एक्सचेंज, कोई भी। तो आप यूपीआई से करें तो आप लास्ट वाला में यूपीआई में चला जाइए। तो बैंक में आप यूपीआई पेमेंट में चला जाइए और अमाउंट में जो आपने अमाउंट डाल दिया, कितना आपने हमारा हमको ट्रांसफ़र किया अमाउंट, वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट इन्फो में चले जाइए। पेमेंट इन्फो में जो आपका, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, आप अगर यूपीआई से ट्रांसफ़र किया तो ऐसे आप एक आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी होगा, जैसे आप डिस्प्ले पर अभी देख रहे हैं। तो ऐसे यूपीआई जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है आपका, वो आप बैंक की तरफ से आता है, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है और आपको नीचे पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपका 10 से 15 मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट है वो अपडेट हो जाएगा, आपका बैलेंस इंस्टेंट आ जाता है। तो तीसरा जो आपका ऑप्शन होता है वो आप कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बाद आप हम पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर कोई बात नहीं, दोनों ही पेमेंट भेज सकते हैं। देखिए, पहला जो आपका ऑप्शन है जो आप खुद ऐड कर सकते हैं, उसमें मिनिमम आपको 1000 करना है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मेरा अकाउंट आप भेज दीजिए, तो मिनिमम आपको 100 करना पड़ेगा।
अगर आप कंपनी के अकाउंट पर देना चाहते हो तो मिनिमम आपको 5000 देना पड़ता है। तो कंपनी के अकाउंट पर देने के लिए आप लास्ट में मोर वाले चले जाइए, मोर पे आप बैंक डिटेल्स पे चले जाइए, यहाँ पे आपको बैंक शो करेगा कौन सा बैंक पे आपको पेमेंट कर देना है, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया और ICICI पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आप पहला वाला दूसरा वाला कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, आप अगर कैश डिपॉजिट करते हैं, आप कैश डिपॉजिट मशीन से कैश डिपॉजिट करते हैं, या आप आपका जो मोबाइल बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कोई भी बैंक में। तो एक ही है सिस्टम आपका। तो कंपनी का बैंक अकाउंट पे आप ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिसीव आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रिसीव जो आता है, जो आपका कैश डिपॉजिट करने के बाद ये रिसीव आपको शो हो जाता है। तो कैश डिपॉजिट करने के बाद आप फिर से पेमेंट रिक्वेस्ट पे चला जाइए। देखिए एक बार, हाँ, आपको मोर पे चला जाना है, पेमेंट रिक्वेस्ट पे चला जाना है, वहाँ पे आपको आपको अभी सिलेक्ट करना है आप कौन सा वॉलेट पे बैलेंस लेना चाहते हैं। जैसे कि आपका दो तरह के वॉलेट होता है, एक DMR और एक मेन। मेन में क्या होता है, जो जितने तरह तरह का रिचार्ज एंड बिल पेमेंट होता है वो सारा का सारा मेन से चला जाता है, और ABS और मनी ट्रांसफर जो होता है वो DMR के चले जाते हैं। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा आपको बैलेंस लेना है। दूसरे में आपको क्या लेना है, आपको वहाँ पे अगर आपने कैश डिपॉजिट करा तो आपको कैश मार देना है, या आप बैंक ट्रांसफ़र IMPS कोई भी करा, अगर ऑनलाइन करा, अब कोई भी ट्रांजेक्शन करा तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन कर देना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कैश मार के यहाँ पे आपका कोई भी बैंक सिलेक्ट करना है, एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है 5000 हो अमाउंट, और यहाँ पे पेमेंट इन्फो में वो जो आपका ट्रांजेक्शन आइडिया होता है, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए आप दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 मार दिया और आपको पेमेंट रिक्वेस्ट पे भेज दिया। उसके बाद ये आपका सक्सेस एक मैसेज आएगा और जल्दी ही आपको ये पेमेंट अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं, आप अगर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा आपका अपडेट नहीं हुआ तो फिर से आप मोड पे चला जाइए, और आप जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वहाँ पे चला जाइए, राइट साइड में ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पे चला जाइए, वहाँ पे नीचे जो अभी अभी मैंने 3000 का ऐड करा वो अभी तो अप्रूव हो गया, और ऊपर पहले जो अभी मैं 5000 का करा वो पेंडिंग में है। फ़िलहाल मैंने कभी दी नहीं तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा हूँ, तो ये फ़िलहाल पेंडिंग में है। तो जब आप करेंगे तो आपका आधा घंटा या 10 मिनट के अंदर ये आपको अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरा जो ये नंबर शो कर रहा है इसमें आप कॉल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पता ही चल गया कैसे आपको बैलेंस ऐड करना है, कौन से तरह तरह का बहुत सारा ऑप्शन होता है ऐड करने के लिए। तो आप SMS लिंक के साथ जुड़े रहिए और खूब सारा जो आपका अर्निंग है अर्निंग बढ़ाते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।